अवमानना कर रहे हैं, सदन को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सदन को नहीं चलाने दे रहे हैं, उनको संसद से निकाला जाए और इसलिए संसदों का निष्कासन हुआ। और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी जो सांसद प्रोग्राम में बाधा डालते थे उनको संसद से निकाला जाता था, उनका निष्कासन होता था। इस बार भी उसी प्रक्रिया के तहत उनका निष्कासन हुआ। लेकिन आप सभी ने देखा कि TMC सांसद जो कल्याण बनर्जी हैं, वो उपराष्ट्रपति का जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की, ये अत्यंत अशोभनीय है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसका अपमान, उसका इस तरह माहौल उड़ाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के राजतंत्र लोकतंत्र के लिए। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि वो मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी जो अपने को विपक्ष का नेता कहना, वो उसका वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले संसद में या संसद के बाहर कभी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका कभी कोई अपमान नहीं करता था। लेकिन पहली बार वो किसान नेता रहे हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो किसान नेता रहे हैं, जाट समाज से आते हैं और अत्यंत पिछड़े परिवार से आते रहे हैं, और वैसे व्यक्ति का वो संवैधानिक पद पर आज बैठे हैं, उनकी मर्यादा का हनन किया गया, इसलिए आज हम लोगों ने कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया है। और ये बताए हैं वो किसान नेता रहे हैं, और हम इनको बताने की कोशिश विपक्ष के नेताओं को कह रहे हैं कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं तो ठीक है, वो आपका अधिकार है कि आप सदन नहीं चलने दीजिए, लेकिन संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का अगर आप अपमान करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी इसका सहन नहीं करेंगे, और हम उनसे इस बात का बदला लेंगे। और हम क्या बदला लेंगे, आने वाले लोकसभा चुनाव में जैसे विधानसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया, उसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में किसान, जाट और जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इनके समर्थक हैं, वो अपना इनका अपमान का बदला स्वयं लेंगे। हमको कुछ करने की जरूरत है। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि लोकसभा चुनाव एकदम सन्निकट है, 4 माह रह गया है जो प्रक्रिया शुरू होगी, और ऐसे समय में इन्होंने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। ये निश्चित है, आपने देखा होगा कि वहाँ जाट नेताओं ने भी, जो खाप के लोग हैं, उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, वो अपमान का बदला लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और इन लोगों को लोकसभा में उसका रिजल्ट मालूम चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी निश्चिंत थी कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन अब जो इन लोगों की स्थिति बनी है, इनका शायद खाता भी न खुले, ऐसी स्थिति उन्होंने बना दी है। क्या कहेंगे आप बोले माननीय चंद्रमुखी जी ने, जिस तरह से संविधान पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति का जिस तरह से माहौल उड़ाया गया और राहुल गांधी जी जिस तरह से वीडियो बना रहे, तो एक निश्चित रूप में जाट का बड़ा नेता जो एक मीडियम वर्गीय परिवार से आता है, नीचे से ऊपर का सफर, इतना बड़ा उपराष्ट्रपति तक का सफर तय किया, उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना अनुचित है। इसलिए पूरे देश में किसान नेता, भारतीय किसान मोर्चा, भाजपा किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश में, पूरे प्रत्येक जिले में आज उनके सम्मान, उनके उपराष्ट्रपति के सम्मान में और इनके विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से 2024 में ये सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है सबसे अति पिछड़ा का और पिछड़ा नेता का किसान का विरोधी रहा है, इससे यही साबित होता है। और संवैधानिक पोस्ट पे कल उनके ही दल के कोई नेता होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसी संवैधानिक पोस्ट का कोई विरोध नहीं करता है। जिस तरह से वो माहौल उड़ा रहे हैं, वो पुनौती जैसा जिस तरह से राहुल गांधी ने व्यवहार किया, वो निश्चित रूप से आने वाले 24 में भारतीय उनको दिखाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की मजबूत रूप से सरकार पुनः बनने जा रही है। निश्चित आना चाहते हैं, आने की क्या बात है? कुछ जनता के कहना है कि वो लोग सही से काम नहीं कर पाए हैं, बहुत से ध्यान। अरे कुछ ऐसे लोग ही कहते हैं जिन्होंने कभी विकास तो किया नहीं, और विकास तो जनता के नजर में है, रोड देख लो, पुल पुलिया देख लो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे नजर से बहुत अच्छे कर रहे हैं। और इस बार नहीं, 90% अगर जनता अच्छा नहीं कर रही होती, 3 स्टेट में 4 लगातार जो चुनाव हुई, इतने स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतते नहीं। ये तो बात रियल है, और इस बार भी उम्मीदवार है कि और भरोसा है पूरे पब्लिक से कि अरे 400 पार है यार, इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार है। और जो स्थिति देख रहे हो जी, जिस तरह से संवैधानिक पोस्ट पर उपराष्ट्रपति का जो विरोध हो रहा है जी, और जिस तरह से माहौल मनाया गया, तो देख लो पूरे देश के अंदर, पर बिहार के प्रत्येक जिला में भी जी, किसान मोर्चा के बैनर तले पुतला दहन हो गया। अच्छा, और विरोध प्रदर्शन किया जी। आपका शुभ नाम?
बाबूलाल सौर किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष खड़ी है। अच्छा बिहार। जैसे कि ये पुतला किस चीज का जलाए थे आप? वो टीएमसी का जो नेता था कल्याण पुतला। कल्याण। अच्छा भैया जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका परिचय और शुभ नाम बताइए। हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ज्ञानदेव कुशवाहा, और आज हम कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किए। वो उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाए, इसलिए हमने पुतला दहन किया। नहीं जी, अच्छा बिल्कुल सही। और देखिए यहाँ पे पुतला दहन किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, चौराहे पे पुतला दहन हो चुका है, और जो भी हमारे बड़े भैया अध्यक्ष थे सभी मौजूद है वहाँ पे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं वीडियो के स्क्रीन पे। तब तक के भाई को सपोर्ट करते रहिए,